टाइमलेस पॉडकास्ट प्रेजेंस सादत हसन मंटो का अफसाना तोबा तेग सिंह, जिसे प्रोड्यूस किया है टाइमलेस अमृतसर ने और आवाज दी है भव्या कश्यप ने। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरकारों को ख्याल आया कि साधारण कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागलखानों में है उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागलखानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात ठीक थी या नहीं, बहरहाल बुद्धिमानों के फैसले के अनुसार इधर उधर ऊंचे स्तर की कॉन्फ्रेंसें हुई और आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए नियत हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वे मुसलमान पागल जिनके रिश्तेदार हिंदुस्तान में ही थे वही रहने दिए गए और जो बाकी थे उन्हें सीमा पर रवाना कर दिया गया। यहां पाकिस्तान से क्योंकि करीब करीब सब हिंदू सिख जा चुके थे इसलिए किसी को रख रखाने का सवाल ही ना पैदा हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस के संरक्षण में सीमा पर पहुंचा दिए गए। उधर की मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागलखाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प और कौतुकपूर्ण बातें होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 सालों से रोजाना बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, उससे जब उसके दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े सोच विचार के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। ये जवाब सुनकर उसका मित्र संतुष्ट हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहां की बोली भी नहीं आती। दूसरा मुस्कुरा दिया, मुझे तो हिंदुस्तान की बोली आती है, हिंदुस्तान बड़े शैतानी आकड़ आकड़ फिरते हैं। एक मुसलमान पागल ने नहाते नहाते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ऐसे जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और अचेत हो गया। कुछ पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे, इनमें अधिकतर ऐसे कातिल थे जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था कि वे फांसी के फंदे से बच जाए। ये कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान का क्यों विभाजन हुआ है और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सभी घटनाओं से ये भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ जाहिल थे। उनकी बातचीत से भी वे कोई नतीजा नहीं निकाल सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको कायदे आजम कहते हैं, उसने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, इसकी स्थिति क्या है, इसके विषय में वे कुछ नहीं जानते थे। यही कारण है कि पागल खाने में वे सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह से खराब नहीं था इस असमंजस में थे कि वे पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में, और अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है, और अगर वे पाकिस्तान में हैं तो ये कैसे हो सकता है कि वे कुछ अरसा पहले यहाँ रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में ऐसा पड़ा कि और ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और एक टहनी पर बैठकर 2 घंटे लगातार भाषण देता रहा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मामलों पर था। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा तो वे और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं ना हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ ना पाकिस्तान में, मैं इस पेड़ पर ही रहूंगा। बड़ी मुश्किल के बाद जब उसका दौरा ठंडा पड़ गया तो वो नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया कि वे उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक MSc पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक खास रोश पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था,
में ये तब्दीली प्रकट हुई कि उसने अपने तमाम कपड़े उतार कर दफेदार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना शुरू कर दिया। एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का एक सक्रिय कार्यकर्ता रह चुका था और दिन में 15-16 बार नहाया करता था, इस सहसा ये आदत छोड़ दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। इसलिए उसने एक दिन अपने जंगले में घोषणा कर दी कि वे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि उस जंगले में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलग अलग बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था, जो मोहब्बत में असफल हो चुका था और पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है, तो उसे बहुत दुख हुआ। उसी शहर में एक हिंदू लड़की से उसे प्रेम हो गया था। हालांकि उस लड़की ने उस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालात में भी वे उसको भुला नहीं पाया था। चुनांचे वे उन तमाम मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए। उसकी प्रेमिका अब हिंदुस्तानी बन गई थी और वे पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई, तो वकील को पागलों ने समझाया कि वे दिल छोटा ना करे, उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहां उसकी प्रेमिका रहती है। मगर वे लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इस ख्याल से कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। यूरोपियन वार्ड में दो एंग्लो इंडियन पागल थे। जब उनको मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आजाद करके अंग्रेज चले गए हैं, तो उनको बड़ा दुख हुआ। वे छिप छिप कर घंटों इस समस्या पर बातचीत करते रहते कि पागल खाने में उनकी हैसियत किस तरह की होगी, यूरोपियन वार्ड रहेगा या जाएगा, ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं, क्या उन्हें डबल रोटी की बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो नहीं खानी पड़ेगी। एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए करीब 15 साल हो चुके थे। हर समय उसकी जबान में अजीबोगरीब शब्द सुनने में आते थे। उपड़ती गड़गड़ती नेकस्ती बेते अनादी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन। वे ना दिन में सोता था ना रात को। पहरेदारों का ये कहना था कि 15 सालों के इस लंबे अरसे में वे एक क्षण भी ना सोया था, लेटता भी नहीं था। अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर समय खड़े रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थी। मगर इस शारीरिक तकलीफ के बावजूद लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के विषय में जब कभी पागलों में चर्चा होती, तो वो बड़ी ध्यान से सुनता था। कोई उससे पूछता कि उसका क्या ख्याल है, तो वो बड़ी गंभीरता से जवाब देता। वो पढ़ दिए गड़गड़ दिए नेकस दी बेदे अनादी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ दी टोबा टेक सिंह ने ले ली, और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, जहाँ वो कभी रहता था। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे, खुद इस उलझन में फंस जाते कि सयालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था, पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर, जो पाकिस्तान में है, कल हिंदुस्तान में चला जाएगा और सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और ये भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब ना हो जाएंगे। उस सिख पागल के केश छिदड़े होकर थोड़े ही रह गए थे, चूंकि वे बहुत कम नहाता था। दाढ़ी और बाल आपस में जम से गए थे, जिसके कारण उसकी शक्ल बड़ी ही भयानक हो गई थी। लेकिन वे आदमी किसी का नुकसान नहीं करता था। 15 सालों में उसने किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने में जो पुराने नौकर थे, वे उसके बारे में इतना जानते थे कि ये टोबा टेक सिंह में उसकी कई जमीनें थी। अच्छा खाता पीता जमींदार था कि अचानक ही दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में उसे बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में कुछ एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे,
और उसकी राजी खुशी मालूम करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक ये क्रम चलता रहा, लेकिन जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हो गई तो उनका आना बंद हो गया। उसका नाम बिशन सिंह था, मगर सब उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसे बिल्कुल ये मालूम ना था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके सगे संबंधी उससे मिलने आते तो उसे अपने आप पता चल जाता था। चुनाचे वे एक दफेदार से कहता कि उसकी मुलाकाती आ रही हैं। उस दिन वे अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और सिर में तेल लगाकर कंघी करता। अपने कपड़े जो वो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा कर पहनता और यूं सच बनकर मिलने वालों के पास जाता। वे उससे कुछ पूछते तो वह चुप रहता या कभी कभी ओ पड़दी गड़गड़दी नेकसदी बेते अनादी मूंगदी दाल ऑफ दी लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक अंगुल बढ़ती बढ़ती 15 साल में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसे पहचानता ही ना था। जब वे बच्ची थी तब भी अपने बाप को देखकर रोती थी, जवान हुई तब भी उसकी आंखों में आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब संतोषजनक उत्तर ना मिला तो उसकी कुरेद दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकाती भी नहीं आते थे। पहले तो उसके दिल की आवाज बंद हो गई जो उसे उनके आने की खबर दिया करती थी। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वे लोग आएं जो उससे सहानुभूति प्रकट करते थे और उसके लिए फल मिठाइयां और कपड़े लाते थे। वे यदि उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है तो वे निश्चित बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है, क्योंकि उसका विचार था कि वे टोबा टेक सिंह ही से आते हैं जहाँ उसकी जमीन है। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा मानता था। उससे जब एक दिन बिशन सिंह ने पूछा कि ये टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने अपनी आदत के मुताबिक पहले कहका लगाया और कहा वे ना पाकिस्तान में है और ना हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म नहीं दिया। बिशन सिंह ने उस खुदा से कई बार मिन्नत खुशामद से कहा कि वे उसे हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो, मगर वे बहुत व्यस्त था क्योंकि उसे और भी अनगिनत हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वे उस पर बरस पड़ा। ऊपर दी गड़गड़ दी अने कस दी बेते आका दी मूंग दी दाल ऑफ दी वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह जो बने सोने हाल सत श्री अकाल। उसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो जरूर मेरी सुनते। तबादले के कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान दोस्त मुलाकात के लिए आया। पहले वे कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हटा और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलुद्दीन। बिशन सिंह ने फजलुद्दीन को एक नजर देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलुद्दीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही न मिली। तुम्हारे सब आदमी राजी खुशी हिंदुस्तान चले गए हैं। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूपकौर, वे कुछ कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूपकौर, फजलुद्दीन ने कुछ रुक कर कहा। हाँ हाँ, वह भी ठीक ठाक है, उसके साथ ही चली गई थी। बिशन सिंह चुप रहा। फजलुद्दीन ने कहना शुरू किया। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी राजी खुशी पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और वधावा सिंह से मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर सिंह से कहना फजलुद्दीन राजी खुशी है। दो भूरी भैंसे जो वे छोड़ गए थे उनमें से एक ने बछड़ा दिया है, दूसरे की बछड़ी हुई है पर वे 6 दिन की होकर मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, हर वक्त तैयार हूँ। और ये तुम्हारे लिए थोड़े से भरुंडे लाया हूँ। बिशन सिंह ने भरुंडों की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलुद्दीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? फजलुद्दीन ने तनिक आश्चर्य से कहा, कहाँ है? वही है जहाँ था? बिशन सिंह ने पूछा।
पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में, नहीं नहीं पाकिस्तान में। फजलुद्दीन बौखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता चला गया। ओ पड़ती गड़गड़ती अनेकस्ती पेते अनादी मूंगती दाल ऑफ पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ओ दुष्टे मु। तबादले की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की सूचियां पहुंच गई थी और तबादले की तारीख भी निश्चित हो चुकी थी। सख्त सर्दियां थी। लाहौर के पागल खाने से हिंदू सिख पागलों से भरी लारियां पुलिस के दस्तों के साथ रवाना हुई। संबंधित अफसर भी उनके साथ थे। वाघा के बॉर्डर पर दोनों ओर के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और प्रारंभिक कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लारियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। कुछ तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने को तैयार होते उनको संभालना मुश्किल होता, क्योंकि वो इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे, अगर उन्हें कपड़े पहनाए जाते तो वे फाड़ कर अपने शरीर से अलग कर देते। कोई गालियां बक रहा था तो कोई गा रहा था। आपस में लड़ झगड़ रहे थे और रो रहे थे, बक रहे थे। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। पागल स्त्रियों का शोरगुल अलग था और सर्दी इतने कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। अधिकतर पागल इस तबादले को नहीं चाहते थे, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर कहां फेंका जा रहा है। थोड़े से वे जो सोच समझ सकते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। दो तीन बार झगड़ा होते होते बचा, क्योंकि कुछ हिंदुओं और सिखों को ये नारे सुनकर तैश आ गया था। जब बिशन सिंह की बारी आई और जब उसको दूसरी ओर भेजने के संबंध में अधिकारी लिखत पढ़त करने में लगे, तो उसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? संबंधित अधिकारी हंसा और बोला, पाकिस्तान में। ये सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने शेष साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, किंतु उसने चलने से इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह कहाँ है? और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऊपर दी गड़गड़ दी अनेकस दी बेदयाना दी मूंग दी दाल ऑफ टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया, देखो टोबा टेक सिंह का हिंदुस्तान में चला गया है, यदि नहीं गया है तो उसे तुरंत ही भेज दिया जाएगा। किंतु वह न माना। जब जबरदस्ती उसे दूसरी ओर ले जाने की कोशिश की गई, तो वो बीच में एक स्थान पर इस प्रकार अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया, जैसे अब कोई ताकत उसे वहां से नहीं हटा सकेगी। क्योंकि आदमी बेजार था, इसलिए उसके साथ जबरदस्ती नहीं की गई। उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और शेष काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले स्तब्ध खड़े बिशन सिंह के गले से गगनभेदी चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और देखा कि वे आदमी जो 15 सालों तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था, आज औंधे मुंह लेटा था। इधर कांटेदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, उधर वैसे ही कांटेदार तारों के पीछे पाकिस्तान। बीच में जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था।